आज बहुत समय बाद आप सब भाई बहनों से मिलना हुआ है, लेकिन आप सब ने क्लास का रूप इतना सुंदर रचा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वहीं बैठ कर के आपके सामने क्लास करा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी महसूसता मुझे आई जब मैं यहाँ आकर बैठा, तो दीदी का जो वहाँ पर बाबा की गति है, तो जब मैं वहाँ आकर बैठता था, जो संकल्प वहाँ पर आते थे बैठते ही, वही संकल्प अपने आप रिपीट हो गए। और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है मैं आप सबके सामने उसी हॉल के अंदर बैठा हूँ अपने परिवार के बीच में। और बहुत समय बाद आप सबको देखा है तो थोड़ा सा अंदर से मन भी गीला हुआ सबको देख करके, कैसा समय आया है। परंतु इस समय की भी बलिहारी है साइंस के साधनों की, जो हम सब बड़े प्यार से बैठकर एक दूसरे को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और वो महसूसता ले रहे हैं परिवार की। बहुत समय से हम लोग सब इंतज़ार करते थे, आपस में बातचीत करते थे, अंत आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आज बाबा के वो महावाक्य सब सिद्ध हो चुके हैं और हम सब उसी समय से क्रॉस कर रहे हैं। वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। तो इस समय को मुझे साधारण रीति से नहीं बिताना है, कुछ ज़रूर हमें अपना शेड्यूल चेंज करना और कुछ ना कुछ अपने भविष्य की उन्नति के लिए प्लानिंग करना। और जो अगला सीन आने वाला है ड्रामा के अंदर, ये तो फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ है परिवर्तन का, तो जो नेक्स्ट सीन आने वाला है उस सीन को तैयार करने के लिए बाबा ने हमें ये समय दिया है। तो ये ज़रूर हर एक बाबा का बच्चा इस चीज़ पर अटेंशन दे ही रहे होंगे कि हमारी वर्तमान समय की जो दिनचर्या है और पहले जो दिनचर्या थी, ज़रूर उसमें बहुत अंतर आया होगा। एक तो बाबा की मदद और दूसरा समय, समय हमें सब कुछ दिखा रहा है। और वो समय आ पहुंचा है जो बाबा कहते थे, बच्चे एक समय एक दिन आएगा जब समय आपका शिक्षक बनेगा। आज देखो हमारा सुप्रीम टीचर अपना कार्य पूरा करके जा चुका है, अब समय हमारा शिक्षक बन चुका है। और अब भी अगर हम समय अनुसार भी समय के इस इशारे को कैच करके अपने जीवन का समूल परिवर्तन कर लें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद तीसरा टीचर हमारा कोई बनने वाला नहीं है। समय के बाद फिर तो धर्मराज ही होंगे और फिर परिवर्तन की बात भी नहीं होगी, फिर तो फाइनल रिजल्ट होगा। इसलिए ये सब बातों को बहुत अच्छी तरह से सभी भाई बहनें वहाँ दीदी की पालना में रहकर बहुत प्यार से कर ही रहे होंगे। जैसे आप देखिए, बाबा कहते हैं ना कि बच्चे जब अंत आएगा तो बाप भी गुप्त हो जाएगा और बच्चे सामने होंगे। आज वो घड़ी है। जैसे आप देखिए, कोई ड्राइविंग टीचर होता है, वो ड्राइविंग सिखाता है, किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सिखाता है, तो जब तक वो व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहा है तब तक ड्राइविंग टीचर उसके साथ गाड़ी के अंदर बैठता है। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, ड्राइविंग टीचर सिखा रहा है, लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो क्या कहता है कि अभी आप पूरी तरह से सीख चुके हैं और मेरे पास सिखाने की जो नॉलेज थी टोटल मैं आपको दे चुका हूँ और अभी मुझे आपके साथ बैठने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कल से आप स्वयं इस गाड़ी को चलाएं और प्रैक्टिस करें। मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन, मेरी तरफ से जो ज्ञान है इस चीज़ का पूरा हो गया। उसी तरह से अभी ड्रामा अनुसार
ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता सो देवता बनने के लिए जो भी ट्रेनिंग थी, जो भी ज्ञान था, वो सारी समझ बाबा हमको दे चुके हैं। और अब बाबा कहते हैं, अब आपके ऊपर है, जितना आप फरिश्ता बनने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे। अब आपकी प्रैक्टिस पर है, अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वतन में बैठता हूँ, वहाँ से मैं बैठ के देखता हूँ कि मेरा कौन कौन बच्चा, किसने अच्छी तरह से ये समझ ली है और कौन अच्छी ड्राइविंग करता है इस ब्राह्मण जीवन में। तो अपने सभी स्वभाव संस्कार कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए जरूर है, आपने अभी पीछे संडे की मुरली सुनी होगी, कितनी एक गहरी पॉइंट बाबा ने बताई है। आप सभी भाई बहनों ने भी नोट किया होगा, बाबा ने कहा अभी बहुत काल के जमा पुरुषार्थ के जमा के खाते का समय पूरा हुआ, बहुत काल के पुरुषार्थ के जमा के खाते का समय भी पूरा हुआ। अभी कौन सा समय आ गया है? बहुत काल की कमजोरियों का समय शुरू हो रहा है अभी। अर्थात जो बहुत काल से हमने अपनी कमजोरियों में परिवर्तन नहीं लाया, अब वो कमजोरियां पश्चाताप के रूप में हमारे सामने आएंगी। इस चीज को अटेंशन देना है। दूसरी बात बाबा ने हमें बताया है कि अंत समय जब आएगा तो पांचों विकार और वो सभी संस्कार जो आप छोड़ चुके हैं, जिनका त्याग कर चुके हैं, वो अंत में आप सबकी परीक्षा लेने के लिए फिर से आएंगे। ध्यान रखना, वो सिर्फ आपसे विदाई लेने आएंगे, आप उनको बिठा मत लेना अपने पास, आप उनसे बातचीत ना करने लग जाना, आप उनकी खातरी ना करने लग जाना, आप घबरा नहीं जाना कि इतने वर्षों से मैं ये संस्कार छोड़ चुका, ये अभी कहाँ से आया। एक बहन का फोन आया कहीं विदेश से, कहने लगी भैया बहुत पुरानी है कि अभी तक भी पुराने पुराने संस्कार, बहुत पुराने जो छोड़ चुके थे वो भी अभी अटैक कर रहे हैं। तो मैंने बाबा की बात याद दिलाई, मैंने कहा वो अटैक नहीं कर रहे हैं, वो आपसे विदाई लेने आ रहे हैं। तो ये बात उसको जैसे स्मृति में आई वो बहुत हंसी और हल्की हो गई। कहां वो उसमें मोंझ रही थी कि ये कहां अभी तक मेरा संस्कार दूर नहीं हुआ, और कहां वो एक सेकंड में हल्की हो गई, अच्छा ये विदाई लेने आया, इट्स ओके, और उसने छोड़ दिया उसको, उसको हल्की हो गई और उस संस्कार को छोड़ दिया कि मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं। तो हम सभी इस बात को देखें, आज की मुरली भी है संपूर्ण और संपन्न बनो। समय कौन सा आ चुका है? संपूर्णता का और संपन्नता का समय वो आया है। लेकिन आज हम सबको बहुत बहुत चेकिंग करनी है। और एक बहुत सुंदर एग्जांपल जो बाबा ने मुझे टच किया, आपने देखा होगा हम सभी भिन्न भिन्न समय से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 5 महीने से, कोई 5 साल से, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, कई तरह से हम ज्ञान में चल रहे हैं इतने वर्षों से। अब इतने वर्षों में मैंने जमा क्या किया, उस चीज को देखना है, मेरे कौन से संस्कार जमा हुए और मेरा खाता कितना एक्यूरेट है। अब उसके अंदर बहुत सुंदर है कि जैसे कोई व्यक्ति मॉर्निंग वॉक में जाता है, मॉर्निंग वॉक में वो रोज 10 किलोमीटर पैदल करता है हेल्थ इशू को लेकर के, और वो घर से निकलता है, एक रूट पे जाता है और वहाँ से निकल करके, जैसे वो मानव कल्याण से निकल करके और आगे तक पहुँचा मार्केट तक, तो वो बताएगा कि मैं 10 किलोमीटर आज रन किया, मैं 10 किलोमीटर पैदल चला, तो मैं यहाँ से चला था और मैं वहाँ पहुँचा। एक तो हमारी वॉकिंग हो गई, ये एक वॉकिंग है जो आजकल बहुत फेमस है, जिम के अंदर आप जाइए वहाँ पे वॉकिंग पैड है, आप वॉकिंग पैड पर बैठे खड़े हैं और उसके ऊपर चल रहे हैं, और वॉकिंग पैड पर चलते चलते फिर वॉकिंग मशीन आपको दिखा रही है कि आप 10 किलोमीटर चल चुके हैं। वो दूसरा व्यक्ति 10 किलोमीटर चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा, उसे लगा मैं कहीं पहुंचा हूं, मैंने कुछ किया है। ये व्यक्ति एक ही जगह खड़ा होकर 10 किलोमीटर चला, पसीने भी बहुत आए, मेहनत भी बहुत की, लेकिन कहाँ पहुंचा, कहीं पहुंचा वो?
वो वहीं खड़ा हुआ था, वहीं खड़ा हुआ था। इसी तरह से हम अपने आप को देखें कि हम ब्राह्मण जीवन में रूट के ऊपर चल रहे हैं या वॉकिंग पैड के ऊपर चल रहे हैं। अगर वॉकिंग पैड के ऊपर हम चल रहे हैं तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं खड़े हैं, है ना। लेकिन उसमें दिखा रहा है कि मुझे 5 साल हो गए ज्ञान में, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, लेकिन मैं पहुंचा कहीं नहीं, वहीं खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं रूट पर पैदल चला तो चलते 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 मेरे संस्कारों में परिवर्तन आया और आज चलते चलते मेरा परिवर्तन हो गया। तो ये बहुत गहरी चेकिंग हमें अपने आप की करनी और देखने, समय को सामने रखते हुए और वातावरण इतना सुंदर बनाए, इतना प्यार भरा बनाए, भूल जाए सब कुछ, कर्मों की गति के अनुसार समय आ गया है, इंतजार करें, दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ होगा। लेकिन हमें किसी को भी किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं देनी है, हमें किसी भी तरह से किसी अन्य आत्मा को ठीक करने की, सुधारने की जिम्मेवारी नहीं लेनी है। ये समय आया है जो केवल हमें भगवान ने हमारे लिए दिया है, क्योंकि ये समय इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस समय को हमने अपने सुधार के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने श्रेष्ठ संस्कारों को जगाने के लिए नहीं दिया, तो अगले एपिसोड में हम में से किसी भी ब्राह्मण आत्मा को अपने सुधार के लिए, अपने परिवर्तन के लिए समय मिलने वाला नहीं है। आज हमारे पास भोजन भी पर्याप्त है, आज हमारे पास साइंस के साधन सुविधाएं भी हैं, हम बहुत प्यार से बाबा के घर में बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। लेकिन अगला जो एपिसोड आएगा ना परिवर्तन का, उसमें इन सभी चीजों का अभाव मिलेगा हमको। हो सकता है साइंस के साधन ना हो, हम कहीं बातचीत ना कर पाए, हो सकता है खाने पीने के साधनों की कमी हो, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम सबके पास जो भी समय है, केवल इस एपिसोड का यही समय है। इस एपिसोड को हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को भरपूर करने में लगाना है, कोई भी हमारे अंदर कमी ना रहे। और ये मेरी बहुत गहरी रिक्वेस्ट है जो मैं सभी को बता भी रहा हूँ। अब टोटल हमें अपनी नज़र, अंतर्मुखता की नज़र अपने ऊपर रखनी है। अब हमें किसी की भी जिम्मेवारी जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेनी, हर एक को खुला छोड़ दो। जिसको सुधरना है, जिसको अपने संस्कार बदलने हैं बदलेगा, कहीं उसके संस्कारों को परिवर्तन करने में मेरे अपने संस्कार ही खराब ना हो जाएं। इस समय की बलिहारी है जो स्वयं का परिवर्तन करेगा वो श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनेगा। इसलिए हर भाई बहन, हर ब्राह्मण आत्मा केवल स्वयं, स्वयं और स्वयं के ऊपर इस महत्वपूर्ण समय को लगाए, किसी अन्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार पर टकराव, उनके सुधार, इन सब बातों की तरफ बिल्कुल अटेंशन देने की अब जरूरत नहीं है। अब बाबा बैठा है और वो पूरा अटेंशन देगा, क्योंकि आप समझदार हैं कि अब हमारा शिक्षक समय बन चुका है। अगर कोई समय को भी अपना शिक्षक नहीं बनाएगा तो सोचो आगे जाके क्या हाल होगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अपना समय एक सेकंड भी वेस्ट ना करे। और सबसे बड़ी बात, हमें कोई जाके चार चार घंटे बैठ के योग नहीं लगाना है, बाबा के कमरे में नहीं बैठना है। अब ये सारी डेफिनेशन, ये सारी परिभाषाएं चेंज हो चुकी हैं। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब 4 घंटे 8 घंटे बाबा के कमरे में बैठना नहीं। योग का मतलब है आत्मा का कनेक्शन बाप के साथ हर पल रहे, योग। और योगी माना क्या? कि सब चीजों का त्याग, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ एकदम वैरागी बैठा है अकेला एकदम से, नहीं। योगी माना एक प्योर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, एक पवित्र नेचुरल जीवन और एक स्व स्थिति में स्थित रहने वाला स्वस्थ जीवन, अ प्योर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, उसको कहेंगे योगी लाइफस्टाइल, योगी जीवन। तो अब इन दोनों शब्दों की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए हमें अपने जीवन को नेचुरल रूप से पवित्रता में और स्व की स्थिति, स्वयं के जो गुण हैं आत्मा के, उनमें स्थित रखते हुए और हर सेकंड हम बाबा से कनेक्ट रहें बुद्धि से। तो समझो बाबा के
क्या बाबा के को हमारा कनेक्शन बाबा से, हम जो बाबा के कमरे में बैठे हैं, हम योगी हैं, हम योग लगा रहे हैं। तो सारी डेफिनेशंस को अपने अंदर सही रीति से रखते हुए इस समय को बहुत एंजॉय करना है। और आप सब लोग तो वैसे भी वहाँ सेफ हैं, सब अच्छा है, कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ वो प्रभाव बहुत देखने में आ रहा है। लोग बहुत डर गए हैं, बहुत डरे हुए हैं, और अब एक क्वेश्चन उनके मन में आ रहा है, आखिर कब तक हमें ये जीवन ऐसा जीना है। अब इसका आंसर तो ना हमारे पास है ना किसी और के पास है, तो ना चाहते हुए भी इस परिस्थिति को झेलना पड़ेगा। और हम ब्राह्मणों ने क्या किया है, इस परिस्थिति को दिल से स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, इस लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट किया है, और बड़ी खुशी से हम इस समय को बाबा के साथ से पास कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा आप सबके लिए दुआ है और ऐसी शुभ भावना है। आप सभी भाई बहने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर ये पुरुषार्थ कर ही रहे होंगे, और एक दूसरे को सहयोग ये जरूर देना है। देखो ये मुरली शुरू करने से पहले एक ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं 20 नंबर की सीढ़ी पर चढ़ चुका हूँ ऊपर, और एक मेरा साथी है जो 10 नंबर की सीढ़ी पर है, चले दोनों इकट्ठे थे, वो थक चुका है और वो 10 नंबर की सीढ़ी पे बैठ के कहता अभी मेरे बस की ओर नहीं है, मैं थक चुका हूँ। और मैं कहता हूँ आओ बस थोड़ा सा हो रहा है। मैं उसको अपने पास लाने के लिए प्रयास, स्वभाव संस्कार को ठीक करने में वेट करता हूँ, उसको समझाता रहता हूँ, उसी पे लगा रहता हूँ, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज को, शायद इसकी संपूर्णता यहीं तक हो। तो मैं उस व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए 10 सीढ़ी नीचे उतरता हूँ और नीचे आकर के उसको ऊपर लाने का प्रयास करता हूँ। आप सोचो 10 सीढ़ी में जो उतरा हूँ उसी समय में 10 सीढ़ी और ऊपर जा सकता था। मैंने वो अपना समय जबरदस्ती उस आत्मा के साथ लगाया, जबकि वो अपने अंदर से थकी है। मैंने उसको प्रेरणा दी, मैंने समझाया, मैंने बाबा की सारी बातें सुनाई, मैंने सब बातें नफे नुकसान की बताई, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं, वो बैठा मैं नहीं हो सकता। अब ऐसी आत्मा के लिए हमें रुकना और अटकना नहीं, ठीक है ना, प्रेरणा देनी है। अगर वो चलने को तैयार है जरूर चलें, वरना आप अपने जीवन की उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जाइए। वरना 10 सीढ़ी उतरना फिर चढ़ना, कितना समय वेस्ट, और आप इसी काम में लगे रहेंगे, क्योंकि वो 2 सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर कहेगा मैं थक गया हूँ, फिर आप आगे बढ़ चुके होंगे, फिर आपको नीचे उतरना होगा। बार उस आत्मा के कारण आपको अपनी स्थिति से नीचे आना पड़ेगा जो आपने इतनी मेहनत से बनाई, और फिर उस स्थिति को वापस पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इन सभी बाबा के डायरेक्शन को समझते हुए स्व परिवर्तन का जो हमारा लक्ष्य है, अब हमें उस पर फोकस होना है, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर और स्वयं का परिवर्तन संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार सब तरीके से करना है। तो आज हम सुनते हैं, आज की मुरली है 22/1/86 की। आज की मुरली का टाइटल है बाप दादा की आशा, संपूर्ण बनो और संपन्न बनो। आप सबको अच्छी आ रही है आवाज? अच्छा, और जो दूर बैठे हैं उन सबको अपने घरों में, उनको आ रही है आवाज ठीक? सभी को आवाज ठीक आ रही है? इट्स ओके। कोई कोई है जिसको नहीं आ रही शायद, ठीक है। आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं, इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। अंडरलाइन कि मुरली सुनते समय मेरी लगन क्या है, बाबा उस चीज को जानता है। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, और दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं। हाँ, 63 जन्मों का धीरज रखा है हम सब ने, बाबा को पुकारा, कितना भक्ति की, तो वो 63 जन्मों का जो धीरज है आज बाबा विशेष रूप से उसका फल देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। देखो सामने बाबा बैठा है ना,
सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। इस लाइन को दोबारा सुनेंगे। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे रात रात को जाग के भी योग लगाते जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को ये वर्ष 2020 कौन सा वर्ष 2020 अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संबंध और संपर्क ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। 2020 में बाबा हमारा कैसा स्वरूप देखना चाहते हैं? श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संबंध और संपर्क ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। और उसके लिए ये समय हमें विशेष गिफ्ट में भगवान की तरफ से और ड्रामा की तरफ से मिला है, इसलिए हमें एक एक सेकंड अपने समय को सफल करना है। जो सुना सुनना और स्वरूप बनना, अब ये समानता देखना चाहते हैं। जो बाबा से सुना है उसका स्वरूप आप बने, ये समानता बाबा देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए पूरे विश्व में, केवल अपने सेंटर तक नहीं। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प हद के बोल हद की सेवाएं हद के संबंध बहुत देखे हैं, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद के सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे ये दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, है ना। अभी तक जो हमने अपना स्वरूप दिखाया तो बाबा ने कहा अभी दीपकों की रोशनी क्या लगेगी, अभी तो लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद की तरफ दृष्टि रखो, है ना, सब हदों से मुक्त कर लें अपने आप को और बेहद की तरफ दृष्टि रखें। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो, है कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम सबकी बेहद की दृष्टि बनेगी तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बेहद का परिवार, बेहद की भावना, सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए, है ना। इस परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ की गति और उसकी विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में ये एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए, है ना। अब ये आवाज गूंजे, अब लोगों को ये बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर किया है कि अगले एपिसोड के अंदर साक्षात्कार और प्रत्यक्षता होगी, है ना। जिन बच्चों ने इस लॉकडाउन के समय में अपने ऊपर मेहनत करके और अपना समूल परिवर्तन किया होगा उनके द्वारा अब अगले एपिसोड में प्रत्यक्षता का पाठ चलेगा और भविष्य का साक्षात्कार होगा। तो बाबने का भी ये बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे, जब संपूर्णता तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। जब ये बेहद का आवाज गूंजेगा
कि बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए, तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी, समझा। फिर बाबा देश विदेश के सभी बच्चों प्रति संदेश दे रहे हैं, याद प्यार है ना, मिल रहे हैं सबसे, लेकिन इम्पोर्टेंट है जो भी बाबा ने मैसेज दिया इस मिलन में, बहुत अच्छी अच्छी बीच में गहरी बातें बताई हैं। चारों ओर के स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के बिन बिन लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देखकर हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है ना, अभी प्रैक्टिकल धारणाओं के जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो बाबा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है फ्यूचर का। हमने 21 जन्मों का खाता जमा करना है ना, और उसके बाद 63 जन्मों का। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं, ये अंडरलाइन करो। कितनी अच्छी बाबा ने बात की है देखो, क्योंकि जो भी मुरली रिपीट हो रही है वो वर्तमान के लिए है, कभी भी मुरली के लिए डेट वाइज नहीं होना है। इस समय बाप दादा अंडरलाइन शब्द है, प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स, प्रैक्टिकल जीवन के धारणाओं के नंबर हर बच्चे के नोट कर रहे हैं, और ये वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। प्रैक्टिकल कोर्स का और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है, इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर वन ले सकते हैं। देखो ये पूरी लाइन को डबल अंडरलाइन करें, बाबा ने टोटल मैसेज दे दिया, इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ, स्वयं प्रति, औरों के प्रति नहीं कि हाँ ये बात बाबा उनके लिए ठीक कह रहे हैं, नहीं, उन इशारों को हर एक स्वयं के प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर वन ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है कि हम कुछ करके दिखाएं, ये करें, ऐसा करें, ये उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है ना, बेहद की सेवा का चांस है अभी। देखो विश्व की सभी आत्माओं को सबसे बड़ा सहयोग इस समय निर्भयता की शक्ति, बहुत भयभीत हैं और विशेष समय निकाल के सबको निर्भयता की शक्ति का सहयोग देना है। हमारे संकल्प जितने हल्के होंगे, लाइट होंगे, निर्भयता के होंगे, उतने हमारे वाइब्रेशन उस बेहद तक पहुंचेंगे, हर एक आत्मा तक। तो बाबा ने कहा ये उमंग है तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है, इसलिए उड़ती कला की रेस करो, याद में, सेवा में दिव्य गुण मूर्त बनने और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, है ना। देखो सुना क्या कहा बाबा ने, ज्ञान चर्चा करने में, कोरोना का सब्जेक्ट लेकर चर्चा नहीं करनी है ज्यादा, वो तो हो रहा है सो हो ही रहा है, लेकिन कौन सी चर्चा आपस में, ज्ञान की चर्चा। चार ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का ये वर्ष का चांस है। देखो ये मुरली कब की है और पूरी की पूरी महावाक्य आज की परिस्थिति से मैच कर रहे हैं, इसलिए त्रिकालदर्शी बाप ने जब जब और जो जो महावाक्य रचे हैं वो अंत तक के लिए हैं, इसलिए तो ये रिवाइज कोर्स हो रहा है, ताकि आज वो मैसेज दोबारा से बच्चों के पास पहुंचे जो आज हैं। ये विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो, नवीनता पसंद करते हो ना, तो ये नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, ये भी अंडरलाइन करें कि ये वर्ष कैसा है 2020, एक्स्ट्रा रेस करने का, स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के परिवर्तन करने की एक्स्ट्रा रेस,
जिसमें मुझे केवल स्वयं को समझना है, स्वयं के ऊपर ज्ञान को अप्लाई करना है, ये एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का समय, समय एक्स्ट्रा मिला है। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन ये वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। देखो ये आज के लिए बात है, इसलिए ये एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा समय, ये शब्द भूलना नहीं। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, महसूस करो वतन में हम बैठे हैं, बाबा ने हम सबको अपनी भुजाओं में लिया हुआ है। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है, है ना? क्योंकि विदेशी भाई बहने दूर दूर रहते हैं ना, तो आने में उनको कठिनाई है, कहीं धन की कमी है, कहीं कुछ है, बाबा उसको क्लियर कर रहे हैं कि जहां दिल है कि मुझे तो जाना ही है, वहां धन भी आ ही जाता है। दिल धन को कहां ना कहां से लाता है, है ना? मान लो मुझे यज्ञ में भी कुछ सफल करना है, मेरे पास है नहीं लेकिन दिल है, तो मैं बाबा को अपना दिल रखता हूँ, तो बस मेरे दिल की पूर्ति तो स्वयं भगवान करेगा। दिल धन को कहां ना कहां से लाता है, इसलिए दिल है और धन नहीं है ये बाप दादा नहीं मानते हैं, क्योंकि दिल की आवाज सुन रहा है बाबा, और उस आवाज को सुन के बाबा उस धन की पूर्ति करवाएगा कहीं ना कहीं से। तो बाबा ने कहा दिल है और धन नहीं है ये बाप दादा नहीं मानते, कि बाबा हमारी दिल तो है लेकिन क्या करें, साधन नहीं है, मधुबन नहीं पहुंच पाएंगे। दिल वाले को किसी ना किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, दिल वाले को किसी ना किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। देखो कितनी गहरी बात है कि वो कारोबार, वो अपनी नौकरी बिजनेस करते भी अगर हम याद में हैं, तो वो याद का खाता जो जमा है वो जरूरत पड़ने पे स्थूल धन भी हमें दिलवाएगा। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना। अभी बाबा टीचर्स बहनों के प्रति, अभी सभी ने सिल्वर जुबली मनाई, बनना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है, है ना? देखो बाबा पूछ रहे हैं और जरूर है इस पुरुषार्थ को बड़े सीरियसली करना। एकांत में बाबा के सामने बैठे डायरी पेन लेके और चेक करें कि मेरे ब्राह्मण जीवन के सफर में कौन कौन से संस्कार ऐसे रह गए हैं जो देवताई जीवन से मैच नहीं करते, जो फरिश्ता जीवन से मैच नहीं करते, उनको हम बाबा के कमरे में जाके ईमानदारी से लिखें अपने लिए। बस मुझे अब इस समय में, जब तक ये समय चल रहा है, मुझे इसको पूरा खत्म करना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, ठीक है ना? तो बाबा ने कहा बनना तो गोल्डन एज है ना, सिल्वर तो नहीं बनना है। गोल्डन एज बनने के लिए इस वर्ष का क्या प्लान है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? ये तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, ये करेंगे, सेवाओं के प्लान बनाते हैं ना हर कोई सेवा केंद्र, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है, ये इमर्ज होता है, या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वो जाने, हमारा काम नहीं, हम तो अपने आप को ठीक कर ले इतना ही काफी है, है ना? सबकी जिम्मेवारी हम कैसे लें? तो बाबा ने कहा यानी कि गहरा रहस्य क्या, अगर हम अपने आप को ठीक कर लेते हैं हर पल, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ तो ठीक है, बेहद में पहुंच रहे हैं वो वाइब्रेशन। तो बाबा ने कहा कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है, हैं? अपने अपने सेवा केंद्रों का ही ख्याल चलता है या बेहद विश्व का ख्याल चलता है? नाम ही है विश्व कल्याणकारी,
फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते ना, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है, बेहद के मालिक बनने हैं ना, है ना। सतयुग में क्या होगा, लक्ष्मी नारायण अपने महल के मालिक होंगे या बेहद के मालिक होंगे, सेठ के मालिक तो नहीं बनना है ना। अभी तो मुझे ही बोलना है, आप लोगों का तो कुछ मुंह खुलने वाला नहीं, क्योंकि उसका फायदा भी नहीं। लेकिन अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम लोग क्लास में बहुत प्यार से बैठे हैं, बहुत अच्छा वातावरण है। तो बाबा ने कहा स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है ना। सेवाधारी निमित आत्माओं में जब ये लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में ये लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती है। देखो कितनी क्लियर बाबा ने समझानी दी कि अब सभी हदों से पार होना है, सभी हदों से मुक्त होना है हमें। इस चीज को बहुत गहराई से समझे हम। तो बाबा ने भी बहुत अच्छा कहा, बच्चे अभी उपराम होना है, तो उस उपराम होने के लिए सब हदों से अपने लगाव को समेट लो, सब तरफ से बुद्धि समेट लो। सब तरफ से बुद्धि समेटना अर्थात सब तरफ से अपने लगाव हटा लेना, चाहे वो स्वभाव है, चाहे संस्कार है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे साधन है, चाहे स्थान है, सब तरफ से। क्यों, अब तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि कुछ ही समय में हमें सब कुछ छोड़ के जाना है। अब वो घड़ी आ चुकी है, इसलिए ये जो शब्द है, अंतिम शब्द है, बेहद का वैराग्य अर्थात उपराम। अब हमें हर बात से उपराम हो जाना चाहिए। आ गया है समय सब कुछ छोड़ने का। जिस कुर्सी पे रुबुल भाई बैठे, ये छोड़ने का समय आ गया है। इस कुर्सी से भी लगाव छोड़ देना है, ठीक है, समझे। जिस कमरे में, जिस खटिया पे सोते हैं, अब वो सबसे लगाव नहीं, मैं तो अपने बेड पे ही सोऊंगा, मुझे तो नींद नहीं आएगी, तो वो सब लगाव छोड़ने का समय आ गया है। तो ये सब बातें बहुत गहरी हैं जो बाबा कह रहे हैं। इस वर्तमान समय को देख के देखो, सब तरफ से मैं बेफिक्र बादशाह, मैं मस्त फकीर हल्का कितना बनाऊं, मैंने सब हदों से लगाव छोड़ दिया, अपने स्वभाव संस्कारों को छोड़ दिया, औरों के स्वभाव संस्कार की तरफ आकर्षित होना छोड़ दिया, सब खत्म। क्यों, किसी भी पल अब मुझे जाना है, बस ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे जैसे दुनिया जा रही है, हमें तो बाबा अपनी पलकों पे बिठा के लेके जाएगा बड़े प्यार से। ये बहुत नशा दिखाई दे हमें, ये जो बाहर सब कुछ हो रहा है ना, ये हमारे लिए नहीं हो रहा, ये तो हमें संपूर्ण बनाने के लिए हो रहा है। क्योंकि हम तो संगम युग पर बैठे हैं ना, तो संगम युग पे ये घटना नहीं हो रही, ये कलयुग में हो रही है, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना। और बाबा के बच्चों के पास ये सब कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि वो स्थापना की पार्टी है, वो स्थापना में लगे हैं, इसलिए बहुत नशा, बहुत निश्चय और खुशी का चेहरा बना करके सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा, तो सदा बेहद के अधिकारी समझ, बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, देखो बाबा की बात भी आ गई, पहली मुख्य बात है, ये बात नोट करें और इसको बाबा के कमरे में बैठ के एकांत में अपने आप से पूछना है। किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना विनोद भाई, आप बड़े मीठे मीठे प्यार से नीचे बैठ के सुन रहे हो, है ना। और वो ठाकुरिया भाई आए थे, दिखाई नहीं दे रहे कहां बैठ गए। तो बाबा ने कहा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, गिने चुने तो आए हैं, सामने बैठे अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना, बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। देखो, बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहां ही ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। अब सारा समय कौन सा है, अब से लेकर सारा समय कौन सा चल रहा है, पल पल प्रत्यक्षता का समय चल रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपके जो पुराने छोड़े हुए संस्कार हैं उनको जगाने वाली, समझ लेना ये परिस्थिति मेरे उन संस्कारों की विदाई दिलाने के लिए आई है, मुझे वो संस्कार फिर से जागृत नहीं करने हैं। हर पल ये समझो,
पुराने संस्कारों को विदाई दिलाने के लिए कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई परिस्थिति आएगी, चाहे किसी के अंदर चिड़चिड़ेपन का है, चाहे किसी के अंदर रूठने महसूस करने का, चाहे किसी के अंदर क्रोध का अहंकार का है, तो समझ लेना ये विदाई लेने का समय है, विदाई देनी है उनको, परिस्थिति आई है ताकि मैं उसको विदाई दे दूं। तो हर पुराने संस्कार का टेस्ट होगा, परीक्षा होगी। तो बाब ने कहा ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा, तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो और औरों को कराते भी हो, तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया। दृढ़ संकल्प हम बार बार कहते हैं जी कल तो मैंने रात को सोचा था, आज तो अमृत वेले मुझे किसी हालत में उठना ही है, तो दृढ़ संकल्प किया लेकिन कोई कारण बन गया। तो बाबा ने कहा आज तो मुझे अपने इस संस्कार को बिल्कुल यूज नहीं करना बाबा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। लेकिन जैसे ही बाबा के कमरे से बाहर निकला, एक व्यक्ति खड़ा था सामने परीक्षा के लिए, और जैसे ही उसने कहा अभी प्रतिज्ञा करके आया हूँ, फिर वो संस्कार जागृत करने की परीक्षा आ गई, तो वहां फिर मेरी दृढ़ता कायम नहीं रही, तो उसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। तो कहने में दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता ना तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। देखो कितनी अच्छी बात है, दृढ़ संकल्प किसको कहते हैं? जो दोबारा ना करना पड़े, एक ही गलती के लिए, एक ही संस्कार के परिवर्तन के लिए बार बार मैं बाबा के कमरे में दृढ़ संकल्प करता हूँ, है ना। बस जैसे वो कोई व्यक्ति है ना, पूछो उससे चेन स्मोकर है, सिगरेट कितने दिन हुए छोड़े हुए, कहता है मेरे को 15 दिन हो गए छोड़े हुए, तो 15 दिन के बाद फिर ले लेता है वो, है ना, कहता है 15 दिन तो छोड़ी ना मैंने, 15 दिन के बाद फिर पीता है, तो हर थोड़े थोड़े दिन बाद वो छोड़ने का संकल्प लेता है और कहता है मैंने देखो छोड़ी थी ना, तो आदत वो जो छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास नहीं आएगी, उसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। तो बाबा ने कहा अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो, है ना, जिससे हमारा संकल्प और हमारा कर्म इक्वल हो जाए, समान हो जाए, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना भी करना पड़ता है, ये तो होगा और होता ही रहेगा, ये अंडरलाइन। ये नहीं कि परिस्थिति ठीक हो, व्यक्ति ठीक हो तो मैं अपना संस्कार ठीक करूंगा, नहीं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा, प्लान तो बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है, ये तो होगा और होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। अगर लक्ष्य है तो इन बातों से मैं रुकने वाला नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ना है और बढ़ना है, है ना। पहाड़ सामने आ गया, आप सीधी लेन में जा रहे थे, पहाड़ सामने आ गया, क्या करेंगे, खड़े होंगे, ये जब हटेगा, आप गाड़ी रोक के खड़े हैं, लोग पीछे से आते जा रहे, क्या हो गया, कहते जी पहाड़ आ गया, ये हट ही नहीं रहा सामने से, कहेगा भाई पहाड़ तो नहीं आ रहा, पहाड़ के साइड से रास्ता तो जा रहा है ना, आप वहां से निकलिए, क्यों पीछे ट्रैफिक जाम कर दिया। तो इसलिए ये सब पहाड़ आएंगे लेकिन हमें क्या करना है, टर्न लेना है अपने आप से। तो बाबा ने कहा लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे, अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है। हर वर्ष इकट्ठे हुए, क्या परिवर्तन है कि बाबा कोई खास तो नहीं। तो बाबा ने कहा एक दो को वैसा ही देखते हैं, एक दो को कैसे देखिए, अभी तक सुधरा नहीं है, वैसे ही है, देखो मान लो मधुबन में इकट्ठे हुए कहीं कहीं से आए, या हमारे पास ही कोई आया, तो उसका वो रूप देखकर कहेंगे ये अभी तक वैसा ही है, देखो जब हमने कहा ये अभी तक वैसा ही है तो मैं भी तो वैसा ही हूं ना, मुझे वो दिखाई दे गया ये वैसा ही है, मेरा दृष्टिकोण भी तो नहीं बदला ना। तो बाबा ने कहा एक दो को वैसा ही देखते हैं, मनपसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, वह कैसे हो, इसके लिए जो उठे सो अर्जुन, एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों को भी उमंग गुस्सा आता ही है। कौन बनेगा अर्जुन, अर्जुन बनने के लिए कौन तैयार है, परवीर भाई, और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा
तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। ये तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, अभी नया क्या करेंगे, इसके लिए विशेष अटेंशन। इसके लिए विशेष अटेंशन, हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनना है, बनाना है। क्या लक्ष्य रखकर करना है, अटेंशन क्या रखना है, हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनाना है। मुझे औरों को सैंपल बनते हुए देखना नहीं है, मैं दर्शक नहीं हूं, मैं हीरो एक्टर हूं। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देखकर अलबेलापन भी आता है ना, और संगठन में एक दो को देखकर के उमंग गुस्सा भी आता है, रेस भी करते हैं, दोनों होता है ना, जैसा जिसका संस्कार। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है, ठीक है, संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। अभी ये एक रीति हो गई है, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हो गया, अरे वो इतना पुराना ऐसे कर रहे हैं, अरे उसने भी ऐसा किया है, वो तो बहुत बड़ा सेवाधारी है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो हमने कर दिया तो क्या हो गया। ये है संगठन का अलबेलापन, है ना, जिसमें हम दूसरों को देखकर अपने सामने पहाड़ खड़ा कर लेते हैं और हवाला देते हैं कि इसके कारण से मैं रुका हुआ हूं। तो बाबा ने कहा ऐसे चलते ही है, तो ये संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वो अलग चीज है ना, उनकी अच्छाइयां, उनकी विशेषताएं देख करके, सदगुण देख करके उनका सहयोग लेना वो अलग चीज है। अगर ये लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे औरों को करते हुए देखना है या मुझे करना है, कौन करे। देखो मैं आप सबको देख रहा हूं ना, गर्दन हिलती हुई नजर आ सकती है मुझे, इसलिए गर्दन हाँ या ना करो, ऐसे या ऐसे, ठीक है ना, मुझे करना है या औरों को करते हुए देखना है। तो बाबा ने कहा मुझे करके, देखो कितना अच्छा लक्ष्य है, मुझे करके औरों को कराना है। अपने अनुभव से देखो भैया, मेरे सामने भी ये परिस्थिति आई, मैंने इस तरह से उस परिस्थिति को ज्ञान युक्त और योग युक्त होके किया तो रिजल्ट कितना सुंदर आया। तो मैं खुद करूं और औरों को कराने का एग्जाम्पल बनूं, फिर उमंग गुस्सा रहेगा करने का भी और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें, कौन सा लक्ष्य इमर्ज रखना है कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनाना है। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो लक्ष्य के समय प्रति समय इमर्ज करो, लक्ष्य को बार बार स्मृति में लाओ, है ना, बार बार जैसे कॉपी के ऊपर आपने एक लाइन विड्रॉ किया, खींचा, है ना, और दिन भर में 10 बार उसी के ऊपर लाइन खींचा, वो लाइन क्या हो जाएगी, गहरी। अर्थात बार बार जब लक्ष्य को हम स्मृति में लाएंगे, याद दिलाएंगे, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा, फिर वो लक्ष्य मुझे भूलेगा नहीं, नेचुरल हो जाएगा। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, है ना, लक्ष्य रखा तो फिर अपने लक्षण, अपनी चलन, अपने संस्कारों को मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। नहीं तो लक्ष्य रखना खाली लेकिन प्रैक्टिकल ना करना, फिर तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष में हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है ना। ये वर्ष अभी कितना और रह गया है, 6 महीने है ना, और अभी आप सोचो इस वर्ष के ये 6 महीने लोगों के कैसी मुश्किल से बीते हैं और आगे के 6 महीने कैसे बीतेंगे, है ना, एक एक पल, एक एक घुटन पैदा हो रही है, अभी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। लेकिन हम लोगों के लिए एक एक सेकंड, एक एक पल सतयुगी संसार का निर्माण करने का, स्वयं को देवता बनाने का, फरिश्ता बनाने के लिए हम इस एक एक सेकंड को उस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, ना कि दुनियावी तरीके से। तो बाबा ने कहा ये सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, सेवाएं तो होती हैं और होती रहेंगी, बाबा करा रहे, लेकिन
ये प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। सेवाओं की प्रवृत्ति स्व उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर देखो कितनी अच्छी बात है, अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कहता है एक है सेवा, एक है दिल से सेवा। तो बाबा सेवा का खाता जमा नहीं करता, बाबा दिल का खाता जमा करता है कि सेवा तो की परंतु दिल से की या मजबूरी से की, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है, अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड भाई बहने बैठे हैं। जब एक इतना छोटा सा एटम बम भी कमाल कर दिखाता है तो ये इतने आत्मिक बम क्या नहीं कर सकते। कौन हो आप सब, आप सब कौन हो, आत्मिक बॉम्ब हो, ठीक है ना। ब्लास्ट करना है, कैसा वाला ब्लास्ट करना है, जो सामने वाला ठहर ना पाए, हमारे सामने भाग जाए या हमारे पीछे पीछे आए। तो बाबा ने कहा स्टेज पर तो आने वाले आप हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन है ना अभी हमारी दादियां बड़े वो कौन हो गए, बैकबोन हो गए। लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो अब आप आने वाले हो ना, अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है ना दादियों का, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि और सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, जो किले के रूप में हो, संगठन की शक्ति का रूप दिखाना है। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ, आज की जनरेशन भी प्रत्यक्ष फल दिखाए जो आज ज्ञान में चल रहे हैं। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक दो के समीप आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाप के समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं भी और रहेंगे भी, संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं रहेंगे भी। अभी जगत अम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, लेकिन संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत, संस्कार मिलाना ये है स्नेह का सबूत, है ना। सामने वाला तो नहीं सुधर रहा तो अब उसको हमें अलग तो नहीं छोड़ना ना, फिर मुझे भी वो वाला संस्कार धारण कर लेना चाहिए ना। इसी को स्नेह कहेंगे, सामने वाले के अंदर रूठने का संस्कार है, नहीं सुधर रहा, अब उसको भी हमें मिलाना है तो मुझे भी रूठना तो पड़ेगा ना। जब मैं रूठूंगा तभी तो संस्कार मिलेगा उससे, तभी पता लगेगा देखो मुझे इससे स्नेह है तो मैं भी उसके जैसा बन गया। अब उसको लगेगा चलो दो तो हो गए, ये ठीक है ना एग्जाम्पल, नहीं है ठीक, तो कौन सा ठीक है, तो जो ठीक है फिर समझ के वही करना है ना। तो बाबा ने कहा ये नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, ये नहीं, संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है, है ना। संस्कार मिलाना माना एडजस्ट करना, हर एक के संस्कार को जानते हुए जहां तक हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी उन्नति को नहीं रोकना और समझते हुए चलाना आगे बढ़ना। तो बाबा ने कहा मतलब किसी के संस्कार नहीं भी बदलते हैं तो उसके कारण मुझे अपनी अवस्था खराब नहीं करनी है ना, चलते रहना है चलते रहना, और उस आत्मा से भी घृणा और नफरत नहीं करनी है, द्वेष भाव नहीं रखने। तो बाबा ने कहा अच्छा यह भी हो ही जाएगा, सेवा एक है लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना ये है विशेषता। सेवा एक है लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव से चलना यही विशेषता है, यही तो हद निकलनी है ना, है ना। मैंपन की जो मेरेपन की हद है उसको निकालना, निमित्त बनना और निमित्त भाव से चलना। करण करावनहार बाबा है, सब कुछ उसका है, मेरा कुछ भी नहीं, ये हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करे, तो इसके लिए क्या सोचा, बाबा क्या बता रहे हैं देखो, तो सबको चेंज करे,
एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए, ठीक है। एक सेंटर वालों को दूसरे सेंटर में और दूसरे सेंटर वालों को इधर, है ना, फिजिकल रूप से चेंज करने की बात बाबा कर रहे हैं, ताकि सेंटरों के प्रति जो हमारी हद की भावना आ गई है वो निकल जाए। सभी तैयार हो? ऑर्डर निकलेगा? आपका तो हैंड्स अप है ना कि बाबा का ऑर्डर निकले, मेरा तो हाथ ऐसे है, हाँ बाबा जाओ जो कहो। बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष ये नई बात करे ना, नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, साधन, विशेषताएं, सबसे नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, जब त्यागी और तपस्वी बन गए तो ये क्या बड़ी चीज है। त्याग ही भाग्य है, त्याग ही भाग्य है। भाग्य माना जितना यहां त्याग उतना भविष्य का जमा। तो भाग्य के आगे ये क्या त्याग है, ऑफर करने वालों को ऑफरीन मिल जाती है, बाप दादा की दुआएं, परिवार की दुआएं, वरदान मिल जाते हैं। ऑफर करने वालों को ऑफरीन मिल जाती है, ताकत भी मिल जाती है, उमंग उत्साह भी मिल जाता है, सहयोग भी मिल जाता है। तो सभी बहादुर हो ना, क्यों बहने सब बहादुर हो, कहीं भी भेज दें चलेगा ना, किसी सेंटर पे रहना है। तो बाबा ने कहा, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष ये नवीनता करेंगे, ठीक है। फिर मैं तिनसुखिया आ जाता हूँ, आप सब यहाँ दिल्ली आ जाओ। तो बाबा ने कहा, पसंद है ना, जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है उनमें ये भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? डायरेक्शन समझ ले बाबा के? समझा भाई, गर्दन तो हिला दो थोड़ी। आप लोग ये समझ रहे तो दिल्ली में बैठा क्या करना है गर्दन हिला के, मैं आपके सामने बैठा हूँ भाई। तो बाबा ने कहा, थोड़ा सा और है, सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। मतलब सेवा क्या, जिसमें मेरी प्रोग्रेस हो, और जिसमें मेरी उन्नति नहीं है वो सेवा नहीं है। याद में सेवा करना नेचुरल हो, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहने भी बैठे हैं भाई भी। याद में सेवा करना अभी नेचुरल हो, यानी कि ये जो एक इरिटेशन, चिड़चिड़ापन कभी सेवाधारी में आ जाता है ना, कि क्या करें, सारा दिन सेवा ही सेवा है, बाबा के कमरे में एक मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। अब इस बात को चेंज करना है, अब हमारी सेवा ही क्या है, हमारा योग का सब्जेक्ट है। जब भी सेवा करना हो ना, तो ये मत कहें कि हम सेवा कर रहे हैं, क्या कहना है कि मैं योग लगाने जा रही हूँ। मान लो मुझे बर्तन धोने हैं, मान लो मुझे बिल्डिंग की झाड़ू पोछा करना है, तो कहाँ जा रहे हो, ये नहीं कहना किसी को कि मैं झाड़ू पोछा लगाने जा रही हूँ, क्या कहना है, मैं योग लगाने जा रही हूँ। और जब तक मैं वो सेवा करूँ तब तक मैं योग में रहूँ, कि ये मेरा योग का सब्जेक्ट बन चुका है, सेवा मेरा योग का सब्जेक्ट बन चुका है। अब सेवा और योग अर्थात कर्म और योग अलग नहीं है, कर्म को ही योग बनाना है हमको, ठीक है ना। और ये नहीं सोचना अलग से बैठने का मौका मिले, अलग से आप बैठ भी जाओगे ना बाबा के कमरे में, झुटके मार मार के बाहर निकल आओगे थक करके, इसलिए ये काम नहीं करना। कर्म को ही, सेवा को ही योग बनाकर और अपनी योग साधना करनी है। अभी सेवा शब्द खत्म करके तुरंत बोले मैं योग लगाने जा रहा हूँ, है ना, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, नहीं मैं योग लगाने जा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है, ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है, याद में रहना, ब्राह्मण जन्म लेना। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं, ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। हाँ, ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना, अर्थात
मुझे हर पल इस जन्म में बाबा की याद में रहना है। मैं किसका हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, जानकी दादी के शब्द। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। देखो ब्राह्मण कौन, आपने भी पीछे मुरली सुनी होगी, एक मुरली चली थी, साकार मुरली चली, बहुत अच्छी, उसमें बाबा ने बहुत अच्छा बताया। बताएंगे क्या बात है, बाबा ने कहा ईश्वरी परिवार का सदस्य कौन है। ये मुरली थी 5 जून की, बाबा ने उसमें पूछा था ईश्वरी परिवार का सदस्य कौन, तो उसमें बाबा ने बताया इस बात से कनेक्टेड है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने करते हैं तो तुम ईश्वरी परिवार के हो, और अगर देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के। देखो कितनी गहरी डेफिनेशन बाबा ने बताई, आत्मा, और जिस समय मैं याद में नहीं हूं तो मैं कौन हूं, बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बाबा ने कहा तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी क्या है, याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं। देखा बाबा ने बोल दिया ना, अभी याद और सेवा अलग नहीं होनी चाहिए। देखो ये पीछे बहन झुटका मार रही है, जगो, दिखाई दे रहा है सब भाई, यहाँ भी दिखाई देता है, ये ना समझो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए समझदार बनो, अभी ये ना समझो ना मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं वहीं बैठा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कौन झुटका मार रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो और सेवा अलग करो। देखो इस बात को आज गांठ बांध लो, सभी बाबा के जो सेंटर पे रहने वाले भाई बहने है ना, और जो बाहर रहने वाले वो भी, क्योंकि वो भी अपने गृहस्थ में रह के बहुत मेहनत करते हैं है ना, वो भी कहते हैं क्या करें आज लॉकडाउन में सारे घर में बैठे हैं, इतना काम हो गया कि हमें सेवा में फुर्सत थी। सरोज बहन ठीक है ना, फुर्सत मिलती है या नहीं मिलती। तो बिल्कुल, इसलिए ये बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं, इतना टाइम अब नहीं है कि याद अलग करो बाबा को और सेवा का समय अलग। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही, इसी में ही अनुभवी बनते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले परिष्टा सो देवता आत्माओं को, सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को, बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और आगे बोलो, हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्योंकि मैं भूल गया, वहां पे कुछ और बोलते हैं, यहाँ दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, गड़बड़ हो जाता है सारा। आज का वरदान, ये पीछे कौन भाई बैठे हैं, रुबल भाई के पीछे, ठीक। तो आज का वरदान है, वरदान भी बहुत सुंदर है, मुरली अच्छी लगी, मुरली से लक्ष्य लिया आगे के लिए है ना, जब तक ये समय चल रहा है उसको कैसे बताना है, बाबा ने कितना अच्छा प्लान दिया आज की मुरली में। और बहनों ने लिया, सेवा और योग को अलग नहीं करना है, समझा, ये कुमारियां बैठी हैं, हाँ या ना, देखा अभी इनके चेहरे पे ना खुशी आ गई, उससे पहले थोड़ा थोड़ा कुछ था ना, हाँ छिप रहे हैं। तो बाबा ने कहा, वरदान है, कर्मों की गति को जान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। बाबा ने एक्सप्लेन किया, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, अभी तक अपने जीवन की कहानी को देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान,
गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ, है ना, हर एक को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ, मतलब बाबा का, उनके कर्मों की गति को जान करके, है ना, जिसको मुक्ति चाहिए उन्हें मुक्ति का द्वार दिखाओ और जिन्हें जीवन मुक्ति चाहिए उन्हें वो द्वार दिखाओ। तो बाबा ने कहा मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाओ, अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, है ना, ये जो इतनी सारी रचना है सृष्टि है इसकी अशांति की समस्या को, दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो, खुद सुविधाएं ना लो, फैसिलिटीज ना लो, खुद अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त भी हो जाए तो आज महान होंगे कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे, है ना, नेम फेम को लेकर के सेवा में करके उमंग भी आ गया, सफलता भी मिल गई कुछ कर कुरा के, तो बाबा ने कहा आज महान लेकिन कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अनुभूति ना होना, अनुभूति ना होना युद्ध की स्टेज है, अनुभूति ना होना ये युद्ध की स्टेज है। योगी बनो योद्धे नहीं, क्या बनना है, योगी बनो योद्धे नहीं, है ना, युद्ध नहीं किसी बात में, योगी बनकर रहे। और योगी का लिए क्या बताया कि जिसका जीवन पवित्र और स्वस्थ है, अर्थात स्वस्थिति में जो रहता है हमेशा, वो योगी है जो हमेशा स्वस्थिति में रहे। समय पूरा हुआ, अभी प्रैक्टिकल का समय आ चुका है, हर पल प्रैक्टिकल, और अपने मन से बहुत इजी है, बस थोड़ा सा एक मेहनत, थोड़ा सा एक दृढ़ता अपने अंदर रखनी है। जो बार बार हमारी अवस्था खराब होती है वो औरों को देखने से होती है, सिर्फ औरों को देख, अंतर्मुखता की आंख धारण करनी है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि औरों को जब हम देखते हैं ना इससे बहुत बड़ा नुकसान है, अनुभव है हम सबको, जैसी औरों को हम देखते हैं किसी भी धारणा की कमी में तो तुरंत आंख ने देखा कान ने सुना, लेकिन नुकसान मन चलना शुरू हो जाता है, और मन चलते चलते कितने किलोमीटर दूर चला जाता है अच्छी अवस्था से हमें पता भी नहीं लगता, और हम इतना दूर चले जाते हैं कि फिर वापस उसी अवस्था में आने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब भी वो मेहनत हम नहीं कर पाते हैं, वो अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सभी औरों की आँख देखने की आँख बंद करके हरेक की विशेषता गुण देखते हुए, हरेक को बाबा का प्यारा बच्चा जैसे बाबा देखता है, उस समझते हुए एक दूसरे के परिवर्तन से एक दूसरे को सहयोग देते हुए इस समय को क्रॉस करना है। कोई भी मायावी संस्कारों को अब इस घड़ी किसी भी हालत में अपने मन बुद्धि में प्रवेश करने नहीं देना, इसलिए अपने माथे के ऊपर सबको स्लिप लगा देनी है, नो एंट्री, पुराने संस्कार नो एंट्री, खत्म। सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, इस बात को बहुत अच्छे रखते हुए सभी प्यार से चलते चलो, अपने को संपन्न बनाओ, संपूर्ण बनाओ, कहीं भी कोई खिटखिट नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बाबा आ गया है लेने के लिए, बस अब तो जाना है, अंदर में छोड़ने की प्रवृत्ति, बस अब सब कुछ छोड़ के जाने का समय आ गया, पर मैंने अपने मन से सारी रस्सियां सारी हदें छोड़ दी हैं, बस ये संकल्प और मन को हल्का करके बाबा की मीठी यादों में खो जाओ, डुबो दो अपने आप को, बस ये समय चल रहा है। देखो ये जितनी भी आत्माएं हैं इनसे तो अब नया कल्प शुरू होगा, तो हम फिर मिल लेंगे उनसे, लेकिन बाबा से मिलन मनाने का समय तो बिल्कुल ही थोड़ा रह गया है, बिल्कुल ही थोड़ा, थोड़े समय बाद बाबा छुट्टी ले लेगा, इसलिए इस बात को समझते हुए हमें बाबा से दिन रात मिलन मनाना है कि देखो भाई ये व्यक्ति तो अभी जाने वाला है, हम इससे बात कर ले, आप तो यही है ना, आपसे फिर बात करेंगे, तो यहाँ नीचे वाले तो सब हमें फिर मिल जाएंगे सतयुग में जा करके, बाबा तो नहीं मिलेगा ना, इसलिए टोटल बाबा के साथ दिल लगा के बाबा से मिलन मुलाकात मनाते चलो। ओम शांति।